मैकेनिकल इंजीनियर मॉडल तैयार किया, 6 सेमेस्टर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन ऑटोमेटिक ड्रिल मशीन। ये हम लोग की जो ड्रिल मशीन है ऑटोमेटिक काम करेगी, जैसे वर्क पीस पे आते ही ये स्वतः चालू हो जाएगी और वर्क पीस से हटने के बाद ये तुरंत बंद हो जाएगी। इसमें हमने एक मोटर लगाया है और IR सेंसर लगाया है। ये IR सेंसर का वर्क ये है कि हमारा इसमें इमिशन होता है, इंफ्रारेड इमिशन होगा और ऑब्जर्वेशन होगा, जिससे करंट का फ्लो होगा, जिसके कारण ये हमारी मोटर चलने लगेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बटन, यहाँ पे बटन ऑन करने के बाद यहाँ पे लाइट सप्लाई बंद हो जाती है, और जैसे ही बटन को ऑन करते हैं यहाँ पे सप्लाई आ जाती है। सप्लाई यह बल्ब यह इंडिकेट करता है कि यहाँ पे सप्लाई आ रही है या नहीं। यहाँ पे हमने देखा है कि एक रेक्टेंगुलर एक बॉक्स है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या करता है, इसे रेज यहाँ पे जितनी अल्ट्रा जो इंफ्रारेड रेज निकल रही है उसके दूरी को एडजस्ट करता है, उसके रेंज को एडजस्ट करता है। यहाँ से हम दूरी को एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा 12 वोल्ट DC मोटर लगा हुआ है जो 12000 RPM के रोटेशन से मोशन करता है। और ये हमारा ये जो येलो कलर है ये ड्रिल चक के माध्यम से हम ड्रिल बीट को इसमें फिट करते हैं। ये जो ड्रिल चक है 0.5 mm से लेकर के 2 सेंटीमीटर मोटे ड्रिल बीट को हम इसमें लगा सकते हैं। अब जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्लाइडर लगाया। स्लाइडर का वर्क ये है कि हमको भरण देते समय ये आसानी से नीचे चला जाए, और जैसे ही इसको छोड़ दें तो ये ऑटोमेटिक स्प्रिंग के माध्यम से ये ऊपर चला जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक इंडिकेटर बल्ब लगाया है। इंडिकेटर बल्ब का यह कार्य है कि जैसे ही हमने वर्क पीस पे ड्रिल करने के लिए भरण दिए रहे हैं, फीड दे रहे हैं, ये हमारा इंडिकेट करने लगेगा कि हमारी मोटर चलने लगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मोटर चल रही है, और जैसे मोटर चलने लगेगी ये बल्ब जलेगा, और जैसे ही मोटर बंद हो जाएगी, हमने यहाँ पे जो फीड दिया है फीड को जैसे ही हमने हटा लिया मोटर भी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, और यहाँ पे जो इंडिकेटर है ये भी बंद हो जाएगा। ये हमारा पे वाटर कंट्रोलर है। इस वाटर कंट्रोलर के माध्यम से हम किसी भी वर्क पीस पे कूलेंट करने के लिए वाटर को सप्लाई गिरा सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं हमने वाटर कंट्रोलर को यहाँ पे दिखाया है, और जैसे ही हमने ड्रिल मशीन को ऑटोमेटिक जैसे भरण देंगे, फिट देंगे, तुरंत ये ऑटोमेटिक वाटर के साथ साथ ड्रिल दोनों एक साथ चालू हो जाएगा। आप जैसा कि देख सकते हैं वाटर स्लोली अपने अनुसार यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, तेजी से या स्लो। जैसा कि देख सकते हैं वाटर और ड्रिल दोनों एक साथ चालू होंगे, और फीड देने के तुरंत बाद दोनों एक साथ बंद भी हो जाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं फीड दिया गया, फीड देने के बाद ये दोनों एक साथ चालू हुए, और फीड हटाने के बाद ये दोनों एक साथ बंद हो गए। अब हम बात आती है, हम इससे इसके माध्यम से हम वुड पे, आयरन पे, ब्रोंज पे, किसी पर भी हम कर सकते हैं। अब अगर हमको वुड पे, ये हमारा मान लीजिए हमारा वर्क पीस वुड का है, तो हम वुड पे अगर ड्रिल करेंगे तो हमको वाटर की ज़रूरत नहीं होगी, तो हम वाटर कंट्रोलर के माध्यम से हम वाटर को ऑफ कर देंगे, ओनली ड्रिल चलो, ना कि वाटर, क्योंकि हमको लकड़ी पे ड्रिल करने के लिए वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। वाटर की ज़रूरत ओनली वन धातु मेटल, किसी भी मेटल पे छेद करने के लिए कूलेंट के रूप में ही होता है। दे रहे हैं वो हमारा वाटर पंप, एक सेकेंड, जब ये हमारा वाटर पंप है, वाटर पंप के माध्यम से ही ऑटोमेटिक चालू होगा। चालू होने के बाद इस वाटर पंप पे जाएगा, यहाँ से पानी तुरंत इसमें रिसाइकल हो जाएगा, यहाँ पे गिरने के बाद तुरंत यहाँ से रिसाइकल हो जाएगा, इसी में पानी हमको यहाँ पे निकालना नहीं होगा। जैसा कि इस प्रोजेक्ट को, इस मॉडल को तैयार करने के लिए हम लोगों ने अपने जो टीम तैयार किया है, हमारी टीम है मिस्टर आकाश कुमार, पप्पू यादव, आलोक प्रजापति, वागीश दत्त जायसवाल, प्रशांत कुमार, शिखा मौर्य, एकता कुमारी और किरण चौहान, मिस्टर चंदन प्रताप ने इस सब को बनाने में इन लोग ने सहयोग किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, जिस तरह से हमारा मॉडल बन करके तैयार हुआ। थैंक यू।